पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। कहाँ जा रही थी बस? बस यहाँ से आधा घंटा हो गया और जल्दी बस चल रहा है। हम भी यहाँ पर खबर देखने वाले आए दौड़ के, तो 24 बस से हम दौड़ गए, हम फोन लगा रहे हैं फायर ब्रिगेड को, फोन रिसीव नहीं हो रहा। कितने यात्री थे उसमें? इतने बहुत थे और सुरक्षित निकल गए। यात्रियों का सामान अंदर था जो नहीं निकल सका, एक महिला। किशनगंज शहर में एक यात्री बस में अचानक आग लग गई, जिसके बाद देखते ही देखते पूरा बस जलकर खाक हो गया। बता दें कि समीर ट्रैवल बस सिलीगुड़ी से पूर्णिया जा रही थी, जिसमें 3 दर्जन से अधिक यात्री सवार थे। बस में बैठे यात्रियों ने किसी तरह बस से कूदकर अपनी जान बचाने में सफल हुए। घटना सदर थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय उच्च पथ 27 खगड़ा के निकट की है। आग लगने की सूचना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। यात्रियों ने बताया कि अचानक बस से धुआं निकलता हुआ देखा गया और देखते ही देखते आग ने पूरे बस को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के बाद चालक कंडक्टर सहित अन्य सदस्य बस को छोड़कर फरार हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों द्वारा टाउन थाना पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद थाना अध्यक्ष संदीप कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस दौरान राष्ट्रीय उच्च पथ पर यातायात रुक गया। यात्रियों ने बताया कि उनका सारा सामान जलकर राख हो गया। कहाँ जा रही थी? जा रही थी बस यहाँ से आधा घंटा हो गया और जल्दी बस चल रहा है। हम भी यहाँ पर खबर देखने वाले आए दौड़ के, तो 24 बस से हम दौड़ गए, हम फोन लगा रहे हैं फायर ब्रिगेड को, फोन रिसीव नहीं हो रहा। कितने यात्री थे उसमें? इतने बहुत थे और सुरक्षित निकल गए। यात्रियों का सामान अंदर था जो नहीं निकल सका, एक महिला है, रो रही है। मेरा पैसा था, सामान था, वो भी है। क्या नाम आपका? सभी मतलब अच्छा सुनिए ना, ये है कि आप गाड़ी में बैठी हुई थी, कैसे हादसा क्या हुआ आखिर? हादसा कैसे? गाड़ी में तो पीछे बैठे हुए थे सर हम। हाँ। इसमें इतना हम लोग और भी लोग हैं, उन लोग तो पीछे नहीं बोल देखे कि आग लगी। आग लगा कैसे? आगे ही आग लगा था कि पीछे? आगे में आग लगा, आगे ही लगा था। बस का ये मशीन है। जी जी जी, अचानक आग लग गया, धुआं मारने लगा, धुआं थोड़ा अंधेरा सा गया, हम लोग गेट भी नजर नहीं आ रहा था। अच्छा, कहां गेट है, कैसे निकले? अच्छा, फिर भी हिम्मत करके जो है आगे वाले को खेलते गए। बच्चे हैं उनको भी खींचे। अच्छा, बच्चे भी थे? हाँ, मेरे साथ नहीं थे। हाँ, और भी है। जी जी, और लोगों के साथ थे। अच्छा, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, जल्दी की थी, इतनी लापरवाही मत बढ़े। कहाँ जा रहे थे आप? पूर्णिया जा रहे थे। कहाँ से चढ़ी थी? हम लोग बस स्टैंड पे चढ़े थे। और बस क्या एसी था कि नॉन एसी था? एसी था। एसी बस था। क्या नाम हुआ आपका? ठीक, चलिए। मामला कैसे गाड़ी में आग लगी? ये तो याद का विषय है, लेकिन जैसे हम लोग गुजर रहे थे रास्ता वगैरह से, अचानक जो है बहुत तीव्र गति से धुआं निकलने का देख रहे हैं कि धुआं निकलता है, आगे क्यों निकल रहा है पता, करीब आए तो पता चला कि बहुत तेजी से एकदम आग एकदम फैल गया। अब इस पर जो है हम लोग 500 मीटर के दूरी में जो है फायर ब्रिगेड का ऑफिस है, कार्यालय है, लेकिन फायर ब्रिगेड का जो है आधा घंटा देख करके आती है गाड़ी। सरकार को उसका संज्ञान लेना चाहिए, जिला पदाधिकारी को भी अग्निशमन जो अधिकारी उस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि आप लोग कोई भी अगर इस तरह का घटना अगर घटित होती है, बहुत बड़ा घटना होने से बाल बाल बचा है, यहाँ पर जान माल का भी क्षति हो सकता था, लेकिन यहाँ के आम लोगों के लिए और हम लोग जो है जब धमके रहे और लोगों को निकालते गए, उसके बाद जो है फिर आग का जो पानी बुझाने वाली जो फायर ब्रिगेड गाड़ी है उसमें सहयोग करते हुए हम लोग जो है आग पर काबू पा लिए हैं। अभी स्थिति जो है सामान्य होने लगे। क्या नाम हुआ आपका? अमर समाज सिंह। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।